दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स पे। मैं आज आपको यहां पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। टॉपिक आज का अपना है स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने कुछ यहां पे थोड़ा अभी एनालिसिस करने बैठा था, डायरेक्टली मैं आपको उस पेज पे ले चलता हूं जो मैंने एनालिसिस किया है थोड़ा सा, तो उसके बारे में बता देता हूं, फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे चलूंगा मैं। ये भी बस उसी चीज़ से रिलेटेड है, आप ध्यान से देखिएगा, आपके पेन पेपर आपके साथ में रखिए, जहाँ पे ज़रूरत लगे तो आप नोट कर लीजिएगा, और अगर लगे आपको तो ये जो स्क्रीन शॉट, ये सामने जो स्क्रीन दिख रही है, आप इसका चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। या भी बैंक निफ्टी का जो हमारा लॉट साइज चेंज हुआ है 25 से 15 हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने SL का एक वो रखा है कि भैया हमको एक लॉट में जो है 450 रुपये का लॉस लेना है। और अगर 450 का लॉस कब होगा, जब हम SL देने के लिए तैयार होंगे 30 रुपीज की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के पॉइंट की बात नहीं कर रहा, सीधे सीधे मैं डायरेक्ट पैसों में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मैंने चार्ट जो आपके सामने लगा रखा है, बैंक निफ्टी का 46,000 का PE का चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, समझाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 30 रुपीज का SL लेते हैं, हमारा 30 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमारा लॉस कितना होगा, 450 रुपये का मात्र। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या करते हो और इतना लॉस भी लेने की क्षमता नहीं है, तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, आप आज ही ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आपके बस की बात नहीं है अगर आप इतना लॉस भी नहीं ले सकते हो तो। यह सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है, अगर हम इसके आगे जाते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो 15x50 हो सकता है। अगर आप 50 रुपीज का SL लेके चल रहे हो तो आपके SL बहुत कम हिट होंगे। बस उसमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारी 15x50 करेंगे तो 15×75 मतलब 750 रुपये का हमारा क्या होगा, SL होगा। ठीक है, अगर हम 50 पॉइंट का SL लेके चल रहे हैं तो। अब ये तब होगा, अभी बताता हूँ कब होगा ये। ठीक है, वैसे हमें छोटा SL लेके चलना है 30 रुपीज का, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, ये जो प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम का जो चार्ट लगा रखा है यहाँ पे ऑप्शन का, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। 30 रुपीज़ का जो हमारा वो हमने ऐसे लगाया, तो 450 रुपीज़ का हमारा लॉस इस पर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इतना लॉस लेने की क्षमता है, एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने यहीं पे लॉट बढ़ा दिए तो 30x30 हो जाएगा, तो फिर आपका SL कितना हो जाएगा, 900 रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में अभी बाद में बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो हम SL रख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड जो ये हो गया हमारा रिस्क, है ना, ये 1 जो लिखा है मैंने, ये हो गया रिस्क और ये हो गया हमारा रिवार्ड। तो हम हमेशा जो है हमारा रिस्क टू रिवार्ड 1:2 भी रख सकते हैं, और अगर हमारी ज़्यादा लंबा ले जाने की क्षमता भी नहीं है स्टार्टिंग में, हम अगर बिगिनर्स हैं तो हम अपना टारगेट 1:1:1.5 भी रख सकते हैं, ये भी हमारा छोटा प्रॉफिट नहीं होता, ये भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने अगर SL इतना डिसाइड किया है एक लॉट में कि 450 रुपये लेंगे, तो टारगेट भी हम इतना रखेंगे। ठीक है, टारगेट 900 रखेंगे, अगर फिर भी आप में क्षमता नहीं है कि भैया 900 तो रुपए तक, कई बार क्या होता है जब विनिंग ट्रेड होता है, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम जल्दी एग्जिट कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 300 रुपये या 400 रुपये लेकर मत निकल जाइए, कम से कम इतना तो लेके जाइए। और इतना मिलेगा आपको कितने में, इतने में जब आपको 50 पॉइंट का या 50 रुपये का प्रॉफिट होगा, एक लॉट लिया है आपने, तो आपको जो है 750 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो कम से कम इतना तो लेके जाइए ही जाइए। कल जो भी क्लास में अटेंडीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा,
कल यही स्ट्रेटजी अपना के ट्रेड कीजिए। और यहाँ पे ये जो मैंने लाइंस खींच रखी इसके बारे में भी अभी जस्ट बता देता हूँ। तो इस चीज़ को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैसे बहुत कम, क्या है कि आप अपने से कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं कैलकुलेशन तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन बताया मैंने कि इतना आपको मिनिमम स्टॉप लॉस लेके चलना है और इतना अपने को टारगेट लेके चलना है। और अगर इतना 900 तक भी नहीं जा सकते, कई बार क्या होता है कि रिटर्न रिवर्स कैंडल मारने लगती है जब, तो हमारा जो धैर्य होता है, हमारा जो पेशेंस होता है वो जवाब देने लगता है। तो कम से कम भैया यहाँ तो एग्जिट कर ही लेना, इससे कम लेके मत जाना, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये जो चार्ट है, यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग अब देखिए, यहाँ पे ये मैंने 46,000 का पी का चार्ट लगा रखा है। ये 21 तारीख को आप देख पा रहे होंगे ओपन हुआ था यहाँ पे, मतलब ये ओपन हुआ था 310 पे, और इसका जो लो गया था आप देखेंगे यहाँ पे 203 तक। मतलब पूरे दिन भर इसने कितने, मतलब 100 रुपये के बीच में इसने ट्रेड किया। इसका जो ओपनिंग प्राइस था 308, या हाई मान सकते हैं, इसका हाई है 334 रुपये का, ठीक। हाई इसका 334 गया है, इसका लो पॉइंट है 203 का, मतलब 131 रुपये के बीच में ही पूरा इसने पूरा दिन गुजार दिया हमारे 46,000 के पी ने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि यहाँ पे 334 तक गया था, अगर आपने ये इसको मिस कर दिया है तो आप शांति से बैठे रहिए। और जब इस तरह की कैंडल बनती है, ये इसको असेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग कुछ बोलते हैं इसको, असेंडिंग डिसेंडिंग, तो ये भी डिसेंडिंग वाला है। इसका मतलब जो रूल रहता है कि जैसे एक ग्रीन कैंडल जो बनी है, एक ग्रीन कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये तीन कैंडल हमें लेना होता है, तीन कैंडल रेड होनी चाहिए लगातार। अगर ये ग्रीन कैंडल ग्रीन बनी हुई है और स्ट्रॉन्ग बनी हुई, स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी लंबी बनी हुई जैसे ये बनी हुई है, और नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बन जाती है तो एक ये काउंट हो गई, दूसरी ये काउंट हो गई, तीसरी ये काउंट हो गई, तीन कैंडल को हमने काउंट किया। और अगर तीसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तो हमारी यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मतलब चौथी कैंडल पे एंट्री बन जाती है। ये नया सेटअप बता रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से, तो आप इसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। चौथी कैंडल में हमारी एंट्री बन जाती है, और जब कभी यहाँ तक का आपको मूव मिल गया, आप चाहो तो यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा मूव नहीं है। आप अगर पैसों की बात करो, डायरेक्ट ये रुपयों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 298 पे आपकी एंट्री बन, सॉरी ये क्या उल्टा बता गया, ये पी का वो है, सॉरी डाउन हुआ था, ये पी का है, सॉरी ये पी का चार्ट है, मुझे लगा इंडेक्स का है, तो इंडेक्स में भी बता दूंगा, इंडेक्स में ये ऊपर गया होगा इस तरह का, इंडेक्स में अभी बता दूंगा। जब कभी ये एक फॉर एग्जांपल के रहे, आप इंडेक्स का ही मान लो, जब कभी ऐसा भी इंडेक्स में बन रहा हो, तो इंडेक्स में जब ऐसा कुछ बन रहा हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड मार देंगे। और अगर इसको आपने मिस कर दिया है तो इस कैंडल में कहीं बीच में घुसने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब कभी नीचे आके मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करे, आप देखेंगे यहाँ पे तीन कैंडल चार कैंडल यहाँ पे बनी हुई, मतलब 20 मिनट मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से जैसे ही इस लाइन को आप ये लाइन ड्रॉ करना सीख लीजिए, जब कभी ये चैनल क्रिएट होता है इस तरह का, और या तो अपर साइड या तो डाउन साइड, जिस भी साइड ब्रेक कर दे तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर दीजिए, तो आपको लॉस तो नहीं होने देगा और ये आपको अच्छा खासा मूव देखे जाएगा। अब बात आती है कि भैया हमारा SL कहाँ रहेगा, तो जो हमारा ये चैनल बनता है उसी का लो या हाई हमारा SL होता है। अब अगर हमने यहाँ पे इसको ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारा SL पॉइंट ये वाली लाइन होगी। आप देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, इसका विक यहाँ तक गया हुआ है, मतलब इस कैंडल के 50% को छुआ है उसने, लेकिन पूरे जो हमारा SL पॉइंट हमने अगर यहाँ पे दिया है तो इसको टच नहीं किया उसने। दूसरा, कल की क्लास में भी मैंने बताया था
इस तरह का जब कभी बन जाए, एक ग्रीन कैंडल, तीन रेड कैंडल, तो इस तरह आप एक लाइन खींच लीजिए। और लाइन खींचने के बाद चौथी कैंडल अगर स्ट्रांग बन रही है, और जैसे इसके 50% को, मतलब ये जो मूव है, इस मूव के 50% को मतलब यहाँ पे कट कर दे, वहीं पे आप ट्रेड मार दो, फिर देखो आप। और अगर मेरी बातों पे आपको भरोसा नहीं हो तो आप लोग बैक टेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरी पूरी बातों पे आप भरोसा करो, मत करो, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखो, आपके लिए ये होमवर्क भी समझ लीजिए कि आपका होमवर्क यही है जो मैं अब ये बोलने जा रहा हूँ, कि ये आप इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आप पीछे ये चार्ट को पीछे करके देखिए कि जहाँ कहीं पर भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो जो मैंने अभी बताया कि इसके 50% को जैसे ऊपर क्रॉस कर दे, आप वहाँ पे ट्रेड मार दो, तो इस तरह का मोमेंट हमें कुछ ना कुछ मिलता है, भले ही वो 70-80 पॉइंट का मोमेंट मिले या 100 पॉइंट का मोमेंट मिले। आपको ये इसकी विक देखिए, ये यहाँ तक गया है और ये पैसों में है डायरेक्टली। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड मार दिया है तो यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा था 255 और ये गया है 390 तक, 320 मान लीजिए, हाँ 320 तक गया है। तो कितने पॉइंट का आपको हुआ, लगभग 65 पॉइंट का आपको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट। तो 65 × 15 कीजिए, कितना हो रहा है, 15 × 96 और 15 × 7 105, लगभग लगभग आपको कितना हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 15 × 6 = 90, 9 और 15, सॉरी क्या गड़बड़ हो रहा है यार, ये हो जाएगा आपका 65 × 15, तो 975 रुपये का आपका जो है यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाएगा। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आपने 2 लॉट लगा रखे तो आपका सीधे 2000 रुपये आपके कहीं नहीं गए, अगर आपने 2 लॉट पे लगा रखा है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और बैक टेस्ट कीजिए। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि ऐसी कंडीशन बनती है कि नहीं बनती है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यूट्यूब में जो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। और मैं तो मेरी कोशिश रहती है, कोई भी व्यक्ति कमेंट करता है, मैं हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, ये थोड़ा सा टॉपिक से हटके था, मन में आया बता दूँ इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैं आज बताने वाला था कि स्टॉप लॉस, इंडेक्स के चार्ट पे मैं चलता हूँ, स्टॉप लॉस की बात करने वाला था। और स्टॉप लॉस के साथ में क्या था कि रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रेश चार्ट ओपन कर लेता हूँ, चलिए इसी को ओपन कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी का ही है। ये हो गया 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो हमेशा हम जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के पहले ये ध्यान रखेंगे, कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि हमारा एसएल पॉइंट क्या रहेगा। हमारा एसएल पॉइंट पहले हमें ढूंढना है ट्रेड लेने के जस्ट पहले, कि हम अगर रिवर्स मारता है तो हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा। अगर आपने ये डिसाइड करना चालू कर दिया और वो आपको आ गया तो फिर आपकी एंट्री सही होगी। आप एसएल पॉइंट, अब ऐसा ये नहीं है कि आप यहाँ पे कहीं घुसो और फिर बोलो कि हम एसएल कहाँ लगाएं। तो आपकी जब एंट्री सही होगी ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट एंट्री, है ना, यहाँ पे राइट एंट्री, हमारा राइट एंट्री होना चाहिए, राइट एंट्री। तो जब राइट एंट्री होगी तो हमारा एसएल भी राइट होगा, और जब एसएल राइट होगा तो ये 100% आप लिख के ले लीजिए कि आपका जो ट्रेड है वो विनिंग ट्रेड ही होगा, मतलब आप उस पे लॉस पे नहीं जाएंगे। अब अगर आप सोचो कि यहाँ कहीं घुसू ये वाली कैंडल में, अब आपने सोच लिया कि ये ऊपर जा रहा है, मैं इस पे बाय कर लूँगा, तो यहाँ पे ये आपको गिरा के रख दिया, तो इस तरह का नहीं होता है। आपको ट्रेड लेने के पहले, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपकी एंट्री, यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज बना देता हूँ एक बार, यहाँ पे एक नंबर पे हम रखेंगे कि एंट्री हमारी क्या होना चाहिए, राइट प्लेस पे,
एंट्री हमारी राइट प्लेस पे होना चाहिए, एंट्री राइट प्लेस है ना, कि कहीं भी हम नहीं घुसेंगे, जहाँ पे मौका बन रहा है, जहाँ पे हमारा सेटअप बोल रहा है हम वहीं पे एंट्री लेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा आता है स्टॉप लॉस, हमारा स्टॉप लॉस। तो जब हमारी एंट्री सही हो गई तो हमारा SL भी सही जगह लगेगा। अभी बताता हूँ, ये मैं जस्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा TG, TG मतलब टारगेट। जब हमारा एंट्री सही हो गया, SL पॉइंट सही हो गया, तो हमारा टारगेट भी सही होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और हमारा जो चौथा पॉइंट रहता है वो क्या होता है, साइकोलॉजी, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट, इसको हम कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रिस्क, ये पूरा नहीं लिख पाऊँगा मैं, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, जब हमने कर लिया और वो सही हो गया तो हमारी यहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए, हो सकता मिस्टेक हो, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, बट देख लीजिएगा सही है गलत है, आप बस आप ये समझिए कि साइकोलॉजी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आपकी साइकोलॉजी भी सही होगी, मतलब आप ट्रेड में जहाँ पे एग्जिट करना है आप वहीं पे एग्जिट करेंगे, चाहे वहाँ पे आपका लॉस हो रहा हो, लॉस होने का मतलब स्टॉप लॉस पे, और चाहे आपका वो टारगेट हो, मतलब दोनों ही पॉइंट पे आप सही जगह पे एग्जिट करोगे। तो ये पांच चीज़ें आप चाहो तो नोट कर के रख लो, या कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आपके लिए सफल ट्रेडर बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें दूसरे YouTube चैनल्स में भी मिल जाएं, लेकिन ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट वाला वो मैटर नहीं है यहाँ पे। जो मैं फील करता हूँ, जो मुझे आता है, मैं सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ चीज़ें सीख ली है और वो कर लिया, ये सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस की हुई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सोचा बता दूँ। तो पांच चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब मैं इन पांचों पॉइंट्स पे आपको एक एग्जांपल देके बताऊँगा। देखिए, पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है एंट्री प्लेस। तो अब अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ से लेके मार्केट ने ये चैनल बना दिया, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एंट्री हमारी बन रही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब क्या हुआ होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया होगा कि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया और एंट्री मार दी, लेकिन इसने क्या कर लिया, प्रीवियस जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, उसको भी ध्यान में रख के चलना है। अभी जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो रही है, ये यहाँ तक, ये इस लेवल पे है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे साइकोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, गुजुर पुचुर मचा रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5-6 कैंडल बनी है, मतलब 5×6=30, आधा घंटा से 40 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। इसका मतलब ये भी लेवल जल्दी ब्रेक होने वाला नहीं है। इस सारी चीज़ों को जब आप सीख के करोगे ना, तो आपको मज़ा आने लग जाएगा, आप जल्दी ट्रैप नहीं होगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे, और ज़्यादातर लोग ऐसी कंडीशन में ट्रैप होते हैं, उनने देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ पे घुस गए पुट साइड पे, और मार्केट ने रिवर्सल मार दिया और यहाँ पे वो ट्रैप हो गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ, और देखिए हमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, कैसी कंडीशन, फिर से मैंने आपको वही बताया था थोड़ी देर पहले, 3 बन गया, ठीक है। 3 बनने के बाद ये हमारा 50% ये क्रॉस कर दिया इसने, और क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जल्दी जब इस तरह का मूवमेंट बन रहा हो तो हमें नहीं घुसना है कहीं पर भी, और हमें एंट्री प्लेस सही रखना है। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, मतलब एक ज़बरदस्त वाली कैंडल बनी,
ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हमारी रेड वाली जो बन रही है, और उसके बाद तीन छोटी छोटी कैंडल्स बन गई यहाँ पे देखिए, तो इसको बोलते हैं इनसाइड बार कैंडल। ठीक है, तो जब कभी ये तीसरी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री जब सही हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, इसके लो के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे रखेंगे हमारा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस रखने के लिए हमने आपको एक दिन बताया था कि उसके लिए भी एक तरीका है। क्या तरीका है दोस्तों? वो तरीका है आप यहाँ पे जाके इस टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको, अगर हम अपसाइड का ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, और अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग पोजीशन सेलेक्ट कर लिया और हम ट्रेड इस कैंडल पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद जो हमारा एसएल पॉइंट यहाँ पे है इसको हम ले जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे रख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमने अपना एसएल पॉइंट डिसाइड कर लिया, और हमारा जब देखा कि हमने यहाँ पे 924 से लेके 46014 तक, मतलब 90 पॉइंट का हम क्या ले रहे हैं, एसएल ले रहे हैं। तो जब 90 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, कितने पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, 90, मतलब आप यहाँ पे 1 लिखो। तो हमने रिवाइड कितना रखना है, 1:2 का, तो यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 2 का हम रिवार्ड रखेंगे। तो हमें कितना चाहिए, 90 का सीधे डबल 180, तो यहाँ पे हम हमारा रिवार्ड रख लेंगे 180 पॉइंट। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, इसको ऊपर खींच लेंगे, ये हमने इसको ऊपर खींच लिया। अब काउंट कीजिए कहाँ से, 46014 से लेकर और यहाँ पे 46240 तक ये गया, तो कितने पॉइंट का हमको वो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 14 घटा दीजिए सीधे से 240 में, तो आपको 236 पॉइंट का, कितने का, हम तो यहाँ पे 180 लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 180 पॉइंट ही लेके चल रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, कितना भाई, 36 नहीं 40 हो रहा है ना, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा, हाँ 24 हो जाएगा, सॉरी 224 पॉइंट का यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 26 का होगा, 226 पॉइंट का हमारा ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। कहने का मतलब आपकी एंट्री सही हो गई, आपका स्टॉप लॉस की जगह सही हो गई, यहाँ पे आपका टारगेट प्लेस भी हमने यहाँ पे रख दिया, ये भी सही हो गया। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट भी जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया वैसे ही आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, मतलब आप इंडेक्स पे 90 पॉइंट का अगर एसएल लेके चल रहे हो तो आपको प्रीमियम में लगभग 60 से 70 पॉइंट, कितना 60 से 70 पॉइंट का एसएल माना जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड इस चीज़ पे भी करता है कि आप जो कॉल ले रहे हो या जो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रहे हो वो इन द मनी है कि इन द मनी है, मतलब आईटीएम है, आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम, एटीएम, ठीक है ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब अगर आपने ओटीएम सेलेक्ट किया है तो उसका लॉस भी कम होगा और हमें टारगेट भी कम मिलेगा, कम अचीव होगा, हम प्रॉफिट भी कम बहुत कम मिल ले पाएंगे और हमें लॉस भी कम होगा। ठीक है, और ये जो 90 पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे, ये 90 पॉइंट जो हमने डिसाइड किया स्टॉप लॉस की जगह है उस पर बता रहा हूँ, अगर 90 पॉइंट इंडेक्स पे हो रहा है तो अगर हमने ओटीएम लिया है तो हमारा कम लॉस होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आईटीएम लिया है, आईटीएम मतलब इन द मनी लिया है, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा और लॉस भी अच्छा खासा होगा अगर नीचे जाता है तो। तो ये 90 पॉइंट पे अगर हम आईटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं, तो मैं उसकी आईटीएम की बात कर रहा हूँ, आईटीएम पे 90 पॉइंट अगर इंडेक्स पे अपसाइड या डाउन साइड जाता है तो ये आईटीएम आपने अगर सेलेक्ट किया है तो लगभग आपको इतना ही लॉस या इतना ही प्रॉफिट होना है 60 से 70 पॉइंट का। ठीक है,
उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें रहती है, डेल्टा गामा बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो हमारे अभी इस टॉपिक से हट के वो चीज़ हो जाएगी, वो किसी दिन फिर नेक्स्ट डे मैं आपको डेल्टा गामा की चीज़ें बता दूंगा, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप तो ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको इतने का लॉस होने वाला है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल 7 का मान लें, 70 का हमको अगर लॉस हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, 15 × 70 कर देंगे, तो हमारा लॉस कितना होगा, 15 × 70 = 105, 1050 रुपये का लॉस लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रिस्क मैनेजमेंट, कि भैया हम 1050 रुपये का, चौथा पॉइंट हमारा जो चल रहा है रिस्क मैनेजमेंट का, उसके अकॉर्डिंग हम 1050 का रिस्क लेके चल रहे हैं कि हम इतना रिस्क ले लेंगे। ठीक है, अब रिवार्ड देखिए, हमने यहाँ पे 226 पॉइंट का ये लिखा है ना। अब हमने लिया तो ITM था, तो ITM में 226 पॉइंट का ले रखा है, तो लगभग लगभग आपका ये 180 रुपये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 180 मतलब 170 से, 170 से 180 रुपये बढ़ना है। सो जाओ सो जाओ, क्या हुआ, सो जा बेटू। तो यहाँ पे हमें जो है 180 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो अब आप 180 × कितना कर दीजिए, 15, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे हमें 180, तो हम अगर 180 × 15 करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा कितना हुआ, 2700 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट में भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। और 2700 रुपये एक लॉट पे कोई छोटा बड़ा छोटा अमाउंट नहीं होता, अभी 15 का हो गया है, तो आपको एक लॉट ITM अगर डे के ऊपर भी डिपेंड करता है, पर एक अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ 4000 रुपये, आपने अगर 4000 रुपये खर्च किए हैं या 4000 रुपये लगाए हैं आपने, तो 4000 रुपये लगा के आपको 2700 रुपये मिल रहा है, तो आप इसको परसेंटेज वाइज लेके चलिए, कितने परसेंट रिटर्न मिला आपको, तो 2700 / 4000 ये कर देंगे और × 100 कर देंगे, तो आपका जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2700 / 4000 × 100, तो ये हो गया आपका 67% का, 67% का आपको क्या मिल गया, रिवार्ड। तो कौन सा बैंक या कोई व्यक्ति, आप अगर किसी को आप पैसे देते हो उधारी पे, या आपने उसको चला रखा है इंटरेस्ट पे, तो भी इतना परसेंट, और वो भी कुछ मिनटों के अंदर, कोई नहीं दे सकता है जो आपको यहाँ से मिल रहा है। तो अगर आपने एंट्री सही रखी, स्टॉप लॉस सही रखा, तो टारगेट आपका सही होना ही है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने ये पहले से अंदाज़ा लगा के रखा कि अगर नीचे जाएगा तो हम कोई इतना लॉस होगा, तो फिर जब आपने ये डिसाइड करके रखा था, तो आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हमको लॉस होगा तो इतना, और टारगेट होगा, तो आपने तो कितना डिसाइड किया था, 180 पॉइंट का, तो आपने तो टारगेट कम डिसाइड कर रखा था, आपके हिसाब से 180 पॉइंट इंडेक्स पे लगभग लगभग आपको 120 रुपये समथिंग मिलेगा। ठीक है यार, मैं ये कहता हूँ 100 रुपये भी मिले तो आपको एक लॉट में सीधे सीधे 1500 रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे आज के टॉपिक, क्या वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है, इसलिए मैं आप आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ। जो हमारे अटेंडेंस हैं वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बेशक पूछ सकते हैं।
लेकिन रुकिए, अभी मत पूछिए, अभी मत पूछिए, एक चीज़ और बता दूँ, बहुत अच्छी चीज़ आई है दिमाग में, बहुत अच्छी चीज़ आ गई, वो भी बता दूँ, लगे हाथ। म्यूट कीजिएगा जिसका भी ओपन है। अभी 5 मिनट और दीजिए, 5 मिनट बाद पूछने का मौका देता हूँ। क्या होता है कि जब कभी, मान लीजिए, यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, आप देख पा रहे होंगे मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसोलिडेट करके और ये ऊपर जा रहा था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह आप लोगों को लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब लाइन खींचने के साथ साथ आपने इसको ऐसे चैनल बना लिया। मैंने बोला कि जैसे इसको क्रॉस करें तो आपको ट्रेड मार देना है, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेड मार दिया, थोड़ी सी विक यहाँ पे गई थी, एकदम चुमाचुम लाइन पे वो कर रही है, आपने ट्रेड मार दिया कहाँ, ऊपर का, मतलब कॉल ले लिया आपने, और मार्केट ने उसी कैंडल पे आपने नीचे धकेल दिया आपको, तो क्या करोगे आप? आपने जो एसएल लगा रखा है नीचे का, वहाँ पे आप एग्जिट हो जाओगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगर आप एग्जिट नहीं हो, एसएल क्या मैंने बताया था कि जब इस तरह का, एक बार फिर से वहाँ पे गुचर पचर हो गया, फिर से क्रिएट करता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने क्या बताया, जब मार्केट इस तरह अपसाइड जा रहा हो कंसोलिडेट करके और इस तरह कुछ चैनल बनाए इस तरह, तो हम इसको ये एक चैनल क्रिएट कर लेंगे। चैनल क्रिएट करने के बाद जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट कर दे उस साइड का हम ट्रेड ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल रेट बनी हुई है इसकी विक ऊपर गई हुई है, मतलब यहाँ तक तो गया था, अब यहाँ पे ब्रेक भी कर रहा है, तो हमने यहाँ पे कॉल साइड का क्या मार दिया, ट्रेड, हमने कॉल ले ली, लेकिन इसी कैंडल ने नीचे साइड का क्या कर दिया, नीचे भी मार कर दिया। तो जो जब हमने डिसाइड कर रखा पहले से ही, आपको बताया था कि अगर हमने अपसाइड का ट्रेड मारा है तो हमारा एसएल नीचे का होगा, ठीक है, और अगर हमने नीचे साइड का ट्रेड मारा है तो हमारा एसएल होगा ये ऊपर वाला। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर मार्केट इस तरह का कुछ चैनल बना रहा हो तो इस चैनल के अपर साइड अगर ऊपर का ट्रेड ले रहे हैं तो नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारा एसएल होगा, और अगर नीचे साइड ट्रेड ले रहे हैं मतलब पुट ले रहे हैं तो हमारा एसएल इसी चैनल का अपर लाइन होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और अगर, और सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी क्या होता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप बना हुआ है इस तरह का, तो हम जहाँ कहीं पर भी ट्रेड मार रहे हैं तो हमारा जो स्विंग लो हो, जब अपर साइड पे मार्केट चल रहा है तो हम कॉल, जाहिर सी बात है हम कॉल ही लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट, ये नीचे का जो पॉइंट है, हमने मान लीजिए यहाँ पे मिस कर दिया ट्रेड और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, उसको जाने देंगे जब तक कि मार्केट इस तरह का कुछ सीन ना बनाए इस तरह का। और इस तरह का सीन बना दिया अगर, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एस एल पॉइंट। कहने का मतलब जो है स्विंग, इसको बोलते हैं स्विंग, स्विंग लो, स्विंग लो पॉइंट है ये, तो हमारा जो स्विंग लो पॉइंट रहेगा उसका एस एल लगा के हम यहाँ पे ट्रेड मार देंगे और देखेंगे कि हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ से हमने प्रॉफिट ले लिया यहाँ तक का, अगर एग्जिट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, बट हमें इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रखना है, जब इस तरह का अप ट्रेंड पे ट्रेंड लाइन हमने की है तो थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, यहाँ पे ट्रेड का हमारा है यहाँ पे, तो अभी जब हमारे एसएल हिट नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सब्र रखेंगे। यहाँ पे हमें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आने पे हमको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और इसने यहाँ तक मार दिया तो हमारा जो प्रॉफिट बचा वो यहाँ पे 200 रुपये बचा, तो 200 रुपये बचा तब भी हम थोड़ा उसको वेट करेंगे, एग्जिट नहीं करेंगे, कब तक, यहाँ तक तो इंतज़ार करेंगे ही, ठीक है। तो आप देखिए, जब फिर से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया है वो क्या करेगा,
वो वापस से जब यहाँ पे इस कंडीशन में पहुँचेगा या कि इसी कैंडल में ट्रेड मार देगा, और उसका जो SL पॉइंट रहेगा वो यहीं पे रहेगा, प्रॉपर SL पॉइंट इसी का जो रेड कैंडल का लो पॉइंट है या जो ट्रेंड लाइन का लो पॉइंट है जहाँ पे टच किया है वो उसका SL पॉइंट हो जाएगा। और आप देखिए आपको कितना अच्छा फास्ट मूव मिला और कितना ज़्यादा मूव मिला। बस वहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब कभी इस तरह की नेगेटिव कैंडल बन जाए, ये बनी हुई है शूटिंग स्टार, तो कैंडल स्टिक भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। गिन के चार कैंडल कौन कौन सी, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ये चार कैंडल आपको अगर आती हैं तो किसी दिन में ये कैंडल स्टिक पैटर्न में भी पूरा एक क्लास रखूँगा जिसमें सिर्फ कैंडल स्टिक के बारे में बात करूँगा। तो मैं बताने कुछ और आया था, बताने कुछ और लग गया, पर अच्छी चीज़ें निकल रही, सीख लीजिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि जब कभी ऐसा बन रहा हो तो जो चीज़ें अभी बताई कि लास्ट स्विंग लो हमारा SL पॉइंट होगा और हम निधड़क मतलब बिना डरे हुए ट्रेड लेंगे, हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ गलत लग रही हो या मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, आप पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको भी भगवान ने उतना ही दिमाग दिया है जितना मुझे दिया है। आप लोग बैक टेस्ट कीजिए और कुछ गलत मिलता है, कुछ नई चीज़ मिलती है, आप कमेंट कीजिए, तो हो सकता है मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाए आप लोगों से, ठीक है। अब आगे देखिए, एक तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब कभी इस तरह का, यहाँ पे बताया था, जब कभी इस तरह का चैनल क्रिएट हो तो जिस भी साइड का ब्रेकआउट हो रहा है उस साइड हम ट्रेड मार देंगे और इसी चैनल का हाई या लो SL पॉइंट हो जाएगा। एक दूसरा बता दिया आपको, अप ट्रेंड में अगर जा रहा है तो उसका स्विंग लो SL पॉइंट होगा। बात चल रही है SL पॉइंट की कि SL पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस हमारा जो पॉइंट होता है वो कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। अब सुनिए डाउन ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए हालांकि यहाँ पे कोई वैसे ट्रेड बन नहीं रहा, फिर भी एक वो है यहाँ पे डाउन ट्रेंड का, इसलिए मैं इसी पे बता देता हूँ। अगर जब कभी मार्केट कंटिन्यूसली इस तरह का डाउन ट्रेंड में हो और एक बार टच किया, दो बार टच किया, तीन बार टच किया, चार बार टच किया, तो जब कभी ऐसा हो रहा हो तो आप तो ये देखो कि दो बार टच कर दिया, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, दो बार टच कर दिया, तीसरी बार में हम यहाँ पे ट्रेड मार देंगे बेधड़क बिना डरे हुए। अब भैया पूछो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें स्विंग हाई, ये वाला जो है स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा SL पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लंबा मतलब आप सोचो कि यार सर जी ने तो बताया था कि स्विंग हाई, लेकिन ये स्विंग हाई पता चले 150 पॉइंट का है या 200 पॉइंट का है, तो ऐसी जगह नहीं घुसना और हर जगह ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देता है, ठीक है। तो जस्ट ये मैंने एक ऐसे एक एग्जांपल दिया है, आपको बड़े मूव पकड़ना है और बड़े मूव पकड़ने के साथ साथ जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो तो हमें ट्रेड मार देना है। अब यहाँ पे आज का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ, सारे पॉइंट जो मैं बताने वाला था वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो आप लोग जो अटेंडीज हैं क्लास के, वो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो। क्या कैंडलस्टिक के बारे में कल रखेंगे, कौन से प्रकार की कैंडल क्या बनाती है? वो थोड़ा लेट रखेंगे, लेट इसलिए रखेंगे कैंडलस्टिक का मेरे को थोड़ा एग्जांपल निकाल मतलब चार्ट से मैं सोच रहा हूँ एक पीपीटी बना लूँ, पहले पीपीटी में समझाऊँ तो अच्छा रहेगा। हालांकि बताने का अपन इस पर भी बता सकते हैं कि ये कैंडल ये बनी हुई है, इस पर आऊँगा, लेकिन पीपीटी मैं नेट से कुछ इमेजेस डाउनलोड करूँगा कि कौन सी इमेज को क्या बोलते हैं और क्या उसका नेचर होता है, कहाँ पे बनती है, क्यों बनती है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक अच्छा सा पीपीटी बनाने का सोच रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक कैंडल समझ में नहीं आएगी, हाँ क्या बना रही है, हाँ तब तक तो कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं आएंगे ना।
जब कैंडल की आइडिया आएगी तो एग्जैक्ट इंट्री और एक एग्जिट ये सब पता चलेगा ना। आपका कहना सही है, लेकिन आप यहाँ पे जो चीज़ें अभी जितने दिन से क्लास चल रही है तो इतने दिन की क्लास में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। कैंडल स्टिक मैंने मैंने बताया, कैंडल स्टिक सिर्फ चार चार से पांच कैंडल इम्पोर्टेंट होती है, बाकी सारा खेल आपका पता किस चीज़ का है? सारा खेल का है स्टॉप लॉस का और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास दी थी, ये आपको ड्रॉ करना सिखाया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाके कि भैया ये जो पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। सारा खेल इसका है, हाँ सारा खेल तो इस चीज़ का है। कैंडल स्टिक तो ठीक है, हमें कैंडल स्टिक थोड़ा जल्दी वो करा देती है, एंट्री करा देती है, लेकिन कैंडल स्टिक भी आप सारे ट्रेड कैंडल स्टिक पे के भरोसे नहीं ले सकते हो, और कैंडल स्टिक कई बार धोखा दे जाती है आपको। फिर आप जब कैंडल देखने लग जाओगे ना तो आपको सारी कैंडल वैसी दिखेंगी, और आप पता चले हर कैंडल में ट्रेड मारने लग गए तो आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा और ज़्यादा हिट होगा। तो आपको कैंडल स्टिक सिर्फ आपके ट्रेड में यूँ कहो कि 5 से 10% ही काम करती है, बट इसका नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे एक यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बन रही है, दूसरी शूटिंग स्टार ये बन रही है, ठीक है, और ये इनसाइड कैंडल बन रही है, ये इनसाइड कैंडल बन रही है, और कौन सी बता दूँ मैं, यहीं पे आपको दो तीन एग्जांपल बता देता हूँ। तो कैंडल स्टिक मैं प्रॉपर रखूँगा, एक दिन पूरा वो बना के रखूँगा, या कि आप बोलो तो कल ही बता दूँ, जैसा आप कहो। ऐसा नहीं है कि मेरा कल बताने का मन नहीं है। आपको देर लग रही होंगी तो कल थोड़ा बता दिए, हर एक टॉपिक में 5 मिनट उसके लिए डाल दिए तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, है ना? और ये समझ में आया ना स्टॉप लॉस का? मैं मेन इस पे फोकस करना चाह रहा था, और कल से इसी पे ट्रेड होगा। कैंडल का हाई या लो, अगर आप ट्रेंड में है तो उसका हाई ये सेल रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड में है तो उसका हाई ये सेल होगा। कंफ्यूज हो रहे हैं आप, वीडियो देखिएगा, ठीक है रामदास जी? और क्वेश्चन आपके कुछ चले गए? रामदास जी को मजा नहीं आया? नहीं है, रामदास जी दिखा तो रहे हैं कि हैं।